Hello guys! वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभसेक मौर्या और आज की वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को कुछ हट कर जानकारी देने वाले हैं जैसे कि आपको हम यहाँ पर आज का जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें बताने वाले हैं आप लोगों को कि कृषि क्या है कृषि एग्रीकल्चर जिसको हम लोग इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं तो गाइज एग्रीकल्चर जो शब्द है ये एग्री प्लस कल्चरा से बना हुआ है जो कि लैटिन भाषा के शब्द हैं हमारे और एग्री का मतलब मृदा कहा गया है और कल्चरा का मतलब करसड़ कहा गया है ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा जो जो प्रारंभिक उद्देश्य होते हैं जैसे जो भोजन कपड़ा और ईंधन हो गए आदि की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें कृषि कहते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर देखिएगा कहा गया है फसलोत्पादन हो गया फल उत्पादन हो गया आपका पशुपालन हो गया मधुमक्खी पालन हो गया मछली पालन हो गया, गया रेशम कीट पालन हो गया अब यहाँ से हम देखेंगे कि कृषि को कितने भाग में डिवाइड किया गया तो दो भाग में डिवाइड किया गया है पौध विज्ञान और पशु विज्ञान तो पौध विज्ञान में आप लोगों का देखिएगा सस्य विज्ञान है उद्यान विज्ञान है वन विज्ञान हो गया आपका और आरोपित फसलें हो गई आपकी ठीक है मसाले की फसलें हो गई सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान हो गया तो ये आपका है एग्रीकल्चर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट और दूसरे भाग में आप लोगों का डिवाइड किया गया है देखिएगा पशु विज्ञान तो पशु विज्ञान में आप लोगों को बता दें कि जैसे गायों भैंस पालन हो गया आपका ठीक है भेड़ और बकरी पालन हो गया मुर्गी बत्तख हो गया तीतर पालन हो गया मत्स्य पालन मतलब मछली पालन हो गया मधुमक्खी पालन हो गया रेशम कीट पालन हो गया और लाख उत्पादन हो गया ठीक है तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के बारे में मैंने कृषि के बारे में जो आप लोगों को बताया ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग इसको अपने नोट्स में भी जरूर से जरूर लिख लेंगे ठीक है तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा है ना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में